दे आपकी वर्कशीट नंबर 158। तो पहले आप लोग इसे अच्छे से लेबल कर लेंगे, हिंदी की वर्कशीट है लिख लेंगे, क्लास लिख लेंगे, डेट डाल देंगे, अपना नाम, अपने टीचर का नाम आप लोग लिख लेंगे, चुहिया और चुड़िया। गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? आज हम पढ़ेंगे एक प्यारी सी कहानी, बल्कि उस कहानी को हमें खुद ही बनाना है, ठीक है। इस काम में मैं आपकी मदद करूंगी, लेकिन पहले आप खुद बनाने की कोशिश करेंगे, ओके। चलिए तो पढ़ते हैं क्या लिखा है। नमस्ते प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे। आइए आज हम नीचे दिए गए चित्रों के अनुसार एक कहानी बनाएं। तो देखिए नीचे आपको कुछ चित्र दिए गए हैं, इनके अनुसार आपको एक प्यारी सी कहानी बनानी है, ठीक है। आगे पढ़ते हैं, देखिए क्या लिखा है। ये कहानी एक चुहिया और एक चिड़िया की है। चिड़िया मुसीबत में फंसी चुहिया की जान बचाती है। चित्रों को गौर से देखकर बताइए कि हर एक चित्र में क्या क्या हो रहा है, कौन क्या कर रहा है। आपकी मदद के लिए कुछ शब्द भी दिए गए हैं। इन शब्दों को वाक्यों में प्रयोग करके एक नई कहानी बनाकर अपने घर के सदस्यों को सुनाइए। कहानी में अपने शब्द जोड़ना मत भूलिएगा, ठीक है। चुहिया और चिड़िया में से जो आपको सबसे ज़्यादा पसंद आया है उसका चित्र अपनी कॉपी में बनाइए और उसे रंग भी भरिए। तो देखिए यहाँ लिखा है चुहिया, चिड़िया, दोस्त, जंगल, घूमना, पेड़, डाली, झूलना, नदी, किनारे, समंदर, ओ सुंदर, सुंदर खुशबू, फूल, प्यास, खेलना, पैर फिसलना, डूबना, पानी, है ना, गिरना, चोंच, पूंछ निकलना, ठीक है, ओ निकालना, जान बचाना, ठीक है। उसके बाद गले मिलना, धन्यवाद, खुशी, नाचना, ठीक है। तो इस तरह से अब आप देख सकते हैं कि यहाँ आप बताएंगे कि ये चिड़िया और चुहिया दोस्त थे, जंगल में रहते थे या जंगल में घूम रहे थे, पेड़ पे झूला झूलने लगे, खेलते खेलते दोनों को प्यास लगी, दोनों नदी के किनारे पानी पीने गए, ठीक है। वहाँ चूहे को एक अच्छी खुशबू आई फूल की, जैसे ही वो फूल के पास आया, नदी के किनारे आती, उसका पैर फिसल गया, वो डूबने लगा, है ना। तुरंत चिड़िया ने क्या काम करा, उसको पूंछ पकड़ के उसे बाहर निकाल लिया। जैसे ही बाहर निकाला उसकी जान बच गई। फिर उसने चिड़िया ने धन्यवाद कहा चिड़िया को और दोनों नाचने लगे, ठीक है। तो अब आपको इसमें क्या पसंद आया, चिड़िया पसंद आई या चुहिया पसंद आई, जो पसंद आई आप उसका चित्र तो अपने आप बना लेंगे। चलिए अब जो हमने कहानी बनाई उसको मैं आपको लिख के दिखा देती हूँ कि अगर आप चाहें तो लिख भी सकते हैं। चलिए आंसर देखते हैं। अब आप इसका आंसर यहाँ से आसानी से लिख लेंगे कि दो दोस्त चुहिया और चिड़िया, ठीक है, जंगल में घूम रहे थे। घूमते घूमते वे एक पेड़ की डाली पर जा बैठे और झूला झूलने लगे, ठीक। खेलते खेलते दोनों को प्यास लगी, दोनों नदी के किनारे पानी पीने गए। वहाँ उनको फूल की खुशबू सुंघाई दी, ठीक। वह फूल बहुत सुंदर था। जैसे ही चुहिया फूल के पास गई, उसका पैर फिसल गया और वह पानी में डूबने लगी, ठीक है। चलिए आगे पढ़ते हैं। आगे आप लिखेंगे चुहिया ने फौरन चोंच से चुहिया की पूंछ पकड़ ली और उसको पानी से बाहर निकाल दिया। इस तरह चिड़िया ने चुहिया की जान बचा ली और चुहिया ने चिड़िया को धन्यवाद किया और दोनों में क्या हो गई, खुशी हो गई और दोनों खुशी से नाचने लगे, ठीक। तो इस तरह से मैंने सारे वर्ड्स का इस्तेमाल करके आपके लिए कहानी बना दी है। तब आप इस कहानी को लिख सकते हैं आसानी से। अगर आपका दिमाग कोई और अच्छी कहानी बना सकता है तो आप लोग उसे लिख लेंगे। चलिए वर्कशीट को आखिर का पढ़ते हैं और फिनिश करते हैं इसको। अब देखिए यहाँ लिखा है शिक्षक के लिए अनुदेश दिया गया है कि वो आपको इस गतिविधि के लिए अच्छे से बात करें, आपको समझाएं, और उसके अलावा आपके पेरेंट्स को कहा गया है कि बच्चों को बताएं कि हमें मुसीबत में फंसे लोगों की मदद करना चाहिए। मदद करना एक अच्छी आदत होती है, मदद करने से सबका काम आसान हो जाता है, और ये बात ठीक है। और पता है मदद करने वालों से गॉड, अल्लाह, भगवान भी बहुत खुश होते हैं, है ना। तो इसलिए हमें हमेशा सबकी मदद करनी चाहिए और सबके साथ अच्छे से रहना चाहिए। चलिए तो आज की वीडियो को हम ये ख़त्म करते हैं। अच्छी वर्कशीट में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।